वनसिया कंपोजिट विद्यालय में आरबीएस के टीम ने कैंप लगाकर बच्चों का किया स्वास्थ्य परीक्षण। मंगलवार को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की एक टीम कंपोजिट विद्यालय वनसिया पहुंची। संक्रमण रोगों व डेंगू के बचाव के तरीके बताए एवं विद्यालय में उपस्थित 180 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उसके बाद गांव के लोगों व अध्यापकों के बीच डॉक्टरों ने संक्रमण रोगों के बारे में बताया एवं उनसे बचाव संबंधित जानकारी दी। डॉक्टरों ने बताया घर के आसपास गंदा पानी न इकट्ठा होने दें, क्योंकि जहां पानी रुक जाता है वहां डेंगू के मच्छर पैदा हो जाते हैं। किसी भी हालत में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं होना चाहिए, साफ नहीं आ रहा। किसी भी तरीके से पानी का रुकना नहीं चाहिए। पानी का जब फ्लो चलता रहता है तो वहां पे डेंगू का मच्छर नहीं होता, लेकिन जहां पानी रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वहां डेंगू का लार्वा आ जाएगा। ठीक है, और पहला पॉइंट तो यही है कि पानी को आप लोग को अपने घर के आसपास और दूर दराज तक कहीं पर भी पानी को रुकने नहीं देना। ठीक, जो घर में कूलर या और चीज़ें हैं जिसमें टायर रखा है, कहीं कुछ रखा है, गमला है, पानी उसमें बदला नहीं गया, पानी उसमें भरा है, तो उस पानी को आपको फेंकना है। जैसे पुराने टायर में पानी भरा रहता है उसमें मच्छर डेंगू का आ जाएगा।